अस्सलाम वालेकुम चढ़दे पंजाब ते लहंदे पंजाब दे तमाम पंजाबियों नूं और जेड़ा जेड़ा मेरा वीडियो सिस्टम मेरी वीडियो देख रहे ने सारियां नूं पाकिस्तान तो वकार यूनस की तरफों सलाम और WY पाकिस्तान दे नाल वकार यूनस तुहाडी खिदमत हाज़र है। अज मेरे नाल एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने और इन्हां दे कोलों उम्र भी पुछने आ और इन्हां दा नाम भी पुछने आ और वक्त जिहड़ा 47 तो पहले दा सी ओह सारा पुछने आ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, की हाल है? खैर शुक्र है अल्लाह दा। बाबा जी नाम की तुहाडा? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक। बाबा जी उम्र किन्नी तुहाडी? उम्र कोई 10 साल, 110 साल। नाजरीन 110 साल बाबा जी की उम्र है और मोहम्मद मुश्ताक बाबा जी का नाँ है। बाबा जी 47 तो पहले दे हवाल दसो सानू, जो इतने हिंदू सिख कट्ठे रहिंदे हुंदे सन और इस पिंड का नाँ भी दसो, इस पिंड का नाँ किस वजह तो बनया? पिंड का नाँ है जाम के चीमा। ठीक है। ते इत्थे हाई स्कूल सी इक्को ही। ठीक है। नेड़े त्रेड़े कोई स्कूल नहीं सी। 10 जमात ते हिंदू सिख कट्ठे ही रहिंदे सन, मुसलमान भी कट्ठे ही रहिंदे सन। ते बड़ा सोहना काम लंघदा सी, आपस से प्यार मोहब्बत सी बड़ा सी। बाबा जी जिहड़ा जामके दा नाँ है ये किस वजह तो है? कोई सिख दे नाँ ते आए सन इतलों कितों? ये पुरानी गल है, साढ़े जम्मन तो पहले ही कित आए सन ते चीमे सन। ठीक है। उन्हें नाँ रख्या ही चीमा। त्रै भैन भरा सन, एक दा नाँ चीमा सी, एक दा नाँ सी भैन सी उन्हां दी। ठीक है। जमाल, जमाल बंदे दा नाँ सी ते उत्थे पानोकी। पानोकी ते पानो पिंडी? पानोकी ते जमालपुर। हाँ हाँ। ते ऐ जाम के चीमा ये भैन भरा सन? ये त्रैवे भैन भरा सन। ठीक है। ओ दोवे जामकी ए जरा चीमा सी ए जामकी बह गया ते ओ जरा सी जमाल ओ नाल परां जमालपुर बह गया ते भैन उन्हां दी पानोकी बह गई। हाँ। ए त्रैवे इन्हां आपो अपनी जमीन जड़ी सी ना वंड लई। वंड लई जमाल और पानोके और जाम के चीमा ये भैन भरा सन। ये जेड़ी जेड़ी जगह ते बैठे ने उस ना तो जेड़ा ना पिंडा दे ना बन गए, पिंडा दा ना पै गया। अच्छा बाबा जी इत्थे जाम के चीमा दे विच सिख हिंदू किन्ने को सन? सिख हिंदू बड़े सन। इत्थे सन त्रै गुरुद्वारे जाम के चीमा दे अंदर? त्रै गुरुद्वारे सन। अच्छा। ते त्रै बावे दे डेरे सन। एक बावे दा नाम सी रमदास सिंह। अच्छा। एक बावे दा नाम सी करतार। हाँ। बाबा करतार। एक बावे दा नाम सी अनाम सिंह। अनाम सिंह। अनाम सिंह। ठीक है। ए आपो अपना बैठे सन ते बड़ा सोहना गुजारा करदे सन, मालक सन जमीन दे। किसी मुसलमान दी पैली कोई नहीं सी, इत्थे सब हिंदुआं सिखां दियां पैलियां। अच्छा अच्छा। हाँ, मालक कोई नहीं सी, यही सन हिंदू सिख। अच्छा तुसी मैनूं इह दसो कि तुहाडे जिहड़े यार सन सिख, उन्हां चों कोई यारां दे नावां दा पता जे? हाँ पता। वह दसो हाँ जिन्हां दे नाल तुसी बहिंदे करदे हो, खेलदे हसदे हो, गल्लां बातां करदे हो। एक दा नाम सी जैलदार। ठीक है। वो सरदार जैलदार। ठीक है। उहदा नाम सी नजरी उम्र काफी ज्यादा हो गई मतलब
ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ? ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੇਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਗੇਲ ਸਿੰਘ। ਗੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਗਲੀਪ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ? ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰਾ ਕੌਰ। ਇੰਦਰਾ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅੰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗਲੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਗਲੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਚੰਗੇ ਸਨ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਾਮਕਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਮਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਮਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗਲੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਜਾਮਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਹੋ, ਯਾਦ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈਏ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਏ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ।
सही हो गया। अच्छा तो इत्थे ओ भी रहिंदे सन, की उन्हां नूं आंदे ने खत्री? खत्री भी रहिंदे सन। अच्छा मैगराज। मैगराज हाँ। अच्छा तीन गुरुद्वारे वो जाम के कित्थे होंदे सन पता जे तुहानूं? हुण ते कोई भी नहीं। नहीं हुण ते कोई नहीं, एक बाजार च हुंदा सी। ठीक है। गुरुद्वारा जिथे मंदिर बने है? नहीं बाजार च जिथे ममदली डार रहिंदा सी। अच्छा अच्छा ममदली डार, वो बिल्कुल उन्हां दा पुराना घर है। ते एक हाई स्कूल जाम के चीमा उन्हां दे कोल हुंदा सी। अच्छा गुरुद्वारा। हाँ हाँ उहदे विच आवास रहिंदा सी। हाँ। ते तीसरा गुरुद्वारा? ते तीसरा गुरुद्वारा ओ परा हुंदा सी सुबह वाल। नहीं ये तल हुंदा सी पिंड वाल कश्मीरियां दे महल्ले वाल। अच्छा कश्मीरियां दा महल्ला, वह भी नादरी जाम के चीमा दे अंदर ही है कश्मीरियां दा महल्ला। हाँ। तीन गुरुद्वारे बाबा जी ने दसे ने। त्रै गुरुद्वारे। अच्छा जदों इत्थों गए ने तो तुहानूं मिल के गए ने सरदार तुहाडे यार? हाँ, सज्जन मिल के गए। ते एक हुंदा सी बाबा रामदास सिंह, वह साडे महल्ले हुंदा सी। अच्छा कमियारां दे महल्ले। एक कमियारां दा महल्ला जिहड़ा है। हाँ हाँ सही है। एक फतियाना हुंदा सी, फतियाने हुंदा सी बावे दा डेरा। ठीक है। ओदे नां सी ओ जिहड़ा बावा सी ना ओदे नां सी इसला। इसला? हाँ इसला। अच्छा इसला इसला सिंह। इसला सिंह ठीक है। ओ बावियां दा सी? हाँ ओ बावियां दा सी। ठीक है। अच्छा जदों इत्थों गए ने ओ ते तुसी यार सज्जन सुसारे ते तुसां रल के नाल कोई उन्हां दा समान समून भी चुक के उन्हां नूं भेजिया होणा? हाँ समान इत्थे अड्डे दे उत्ते लियांदा सी। अच्छा समान की ओ इस तरह टुर गया, समान इत्थे छड गया। हाँ उन्हां किसे शै नूं हाथ नहीं पाया। ते बाबा जी रोंदे ही गए सन है। हाँ ओए होए होए। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਟੱਗਾ ਰੇਹੜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡਸਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਗਏ? ਅੱਗੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਾਮ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਜਾ ਕਿ ਪੇਜਾ? ਤੇਜਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਦੋ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਕੌਰ। ਇੰਦਰਾ ਕੌਰ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਬੜਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਂਜ ਖੂਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਂਧੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਂਧੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਧ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰਾ ਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਉਹ ਬਾਂਧੇ ਸਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
कि तुसी इंडिया दे विच जिहड़े तुहानू वेख रहे ने सरदार ने पाकिस्तान च या इंडिया च जिथे जिथे भी ने कोई उन्हां नू मैसेज देना चाहते हो कोई पैगाम देना चाहते हो बस राजी बाजी खैर मेर दुआ देना चाहते हो हाँ जिथे रवो हसते रवो वसते रवो जिथे रवो ठीक रवो ठीक रवो। अच्छा तो नादरीन इन्हों इंडिया के बचों जोड़े सरदार ने इन्हों यार सज्जन ने या कोई भी उन्होंने जोड़े अगों बचे ने वह भी मिलन आए हैं। बाबा जी दस रहे हैं और बाबा जी की उम्र 110 साल हो गई है। बाबा जी जामका तो बड़ा तब्दील हो गया हूँ है ना। हाँ बड़ा फर्क पै गया। पहले मतलब किस तरह का सी? पहले दिन छोटा जहा पिंड सन बहुते हूँ तो कस्बा बन गया जिले सियालकोट का सब तो व्डा सरदार हो ही सन सही जमीन के मालिक भी हो ही सन। मुसलमान की किह की एक मरला पैदी नहीं उन्होंने दी सारी वो सिखा दी सारी जमीन सिखा दी। तो हिंदू किन्ने को रहते सन? हिंदू भी बड़े सन उन्होंने भी मंदिर जड़े ना उन्होंने तो है नहीं आइए मंदिर भी है ना रेंदे सन इतने वो दुकाना करते सन। अच्छा अच्छा दुकाना करते सन। हाँ दुकाना करते वाही घट करते हैं। सिखा का जो सरदारा का काम है ज्यादा वाही का ही हों वाही का ही काम हों इतने मुसलमान भी हो गए हैं कुछ। अच्छा मुसलमान भी कुछ हो गए हैं। अच्छा कोई मजाइया गल याद जी अपने यार सजना ना बह के जी कोई की है नहीं जैलदार नलिया भुल भुल गई जैलदार बड़ा खरा बंदा। अच्छा जैलदार खड़ा बंदा सी बहुत चंगा बंदा सी। बाबा जी दी उहदे नाल यारी सी जैलदार दे नाल होर भी है सन कहिंदे ने तीन यार सन ते वैसे ते पिंड विच बड़े रहिंदे सन है ना बाबा जी। लेकिन जैलदार दे नाल पक्की यारी है फिर जैलदार साहब ते जिहदी वजह तों बाबा जी ज्यादा तारीफ कर रहे ने। ओह मैनूं पिंड नहीं याद जिथे उहदा पुत्तर हुंदा है उत्थे आम सरदार ही रहिंदे ने। एक तो वो ना अमृतसर है ना पंजाब चे अमृतसर नहीं वो एदू भी दूर है बाहर हुंदा है वो। अच्छा अच्छा बाहर हुंदा है ठीक है ठीक है। अमेरिका मुर्गा किते यूरोप कंट्री च हुंदा है। हां यूरोप कंट्री च हुंदा है। हां अच्छा तुसी की करदे हुंदे हो? बाहरों सियालकोट तों गुजरां आले हो सौदा लियाउणा दुकानां ते ते उत्थे धरना किराया लैणा छड़ देना। अच्छा कोई किसी किस्म की कोई गल याद जो पुराने वक्त की कोई यारी दोस्ती बच्चे बैठे होवो शुगर मेले की होइए या कोई होर होइए किसी किस्म की? नहीं बस गल हूँ तो भुल गई ने गल मैं उन्हें ही बहुता रहा था ज्यादा उन्हें ही रेंदे हो ज्यादा मैं जाना गां दे गया सजरी सूई ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਾ ਇਹ ਆ ਟੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾੜ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ये तोहफा मिलिया सी जी सरदार जैल साहब की तरफों बाबा जी मुश्ताक साहब नूं और नाल जगह भी दे के गए बड़ी गल है बाबा जी। चढ़दे पंजाब और लहंदे पंजाब चे पाकिस्तान चे या इंडिया चे या जिथे भी किते बैठे ने कैनेडा चे बैठे ने पूरी दुनिया चे जिथे जिथे भी साडी वीडियो वेख रहे ने और पंजाबी समझ रहे ने ये बाबा जी 110 साल इन्हां दी उम्र है बाबा जी मुश्ताक साहब की। दुआ करो कि रब इन्हां नूं हयातियां दवे सेहत तंदुरुस्ती दवे और इन्हों का साया साडे सिरां ते ताकि अमन सलामत रखे। नाज़रीन मैं तुहानू दसदा जावां कि ज़िला सियालकोट तहसील डस्का दा नवाही कस्बा जामके चीमा जिथे असी बैठे हैं इस तो पहले वीडियो अम्मा जी फातमा की तुसां वेखी तकरीबन वह भी बाबा जी दस रहे हैं कि अम्मा जी फातमा मेरे तो छोटिया ने लेकिन है वह भी सारा कुछ जानदियाँ सन आँदे सन हिंदुआ के और सिखा के बच्चों नू मैं खड़ाए आवे उन्होंने कार आन जान सारे मामलात वो वक्त कैसा सुहाना वक्त होना है कि बाबा जी मैनू दस रहे ने उन्होंने अखा भी जड़िया ना वो दस रही नम ने वो वक्त याद करके और कैसा वो वक्त होना है प्यार मुहब्बत दे नाल सारे लोग रहिंदे सन आपस दे विच और सरहदा ने जड़िया दूरियां पा दित्तियां अज भी तुसी
इंडिया दे विच वेख लो या पाकिस्तान दे विच वेख लो, उन्हां लोकां नूं पुछ के वेख लो, वो यही कहणगे असां एक दूजे नूं मिलना है। बाबा जी रो रहे ने इस टाइम, इहदी वजह ही है वे कि इन्हां नूं याद आ रहा वो सारा मामला, वो सारा वक्त जिहड़ा गुजरिया वो याद आ रहा। नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी होए तो वीडियो नूं लाइक जरूर करियो और शेयर जिन्ना हो सकता है शेयर करो, ताकि बजुर्गों दी जिहड़ियां बारां ने ये सारे इस तो मुस्तफीद हो सकन, सारे वेख सकन, ये बजुर्गों नूं वेख सकन। कोई पता नहीं कित्थे कोई पुराने बजुर्ग बैठे होण ते अपने यार मुश्ताक नूं, बाबा जी मुश्ताक नूं वेख लैन। ते चैनल नूं जिहड़ा वो सबसक्राइब करियो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लियो, ताकि मजीद जिहड़ी आने वाली वीडियो ने वो तुहानूं असीं विखा सकीए। ये सोहना पाकिस्तान इंडिया वे बरेसगीर पाको हिंद विच पंजाब दे विच जिथे जिथे भी लोग ने, मेरी दुआ है सारे हसते रहो वसते रहो, अल्लाह तुहाडियां हयातियां करे। अपनी दुआवां च हमेशा याद रखियो। मैनू इजाजत दियो, मैं वकार यूनस, अल्लाह हाफिज़।